तो हम पहुंच चुके हैं स्वामी विवेकानंद सरोवर। जैसा कि दिख रहा होगा पीछे है स्वामी विवेकानंद तालाब। और गाड़ी पार्क आपको सप्रे साला में करना पड़ेगा, ठीक है, जो विवेकानंद सरोवर से लगा हुआ है। और फिर अभी अपन आउटडोर ग्राउंड की ओर जाएंगे, ठीक है। ये जो अंकल है हमारी गाड़ियों की देखभाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, भाई को वहीं पर छोड़ आया हूँ मैं और पास भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सीधे अब आउटडोर स्टेडियम की तरफ चलते हैं, ठीक है। श्याम टाकीज है, ठीक है, और यहाँ पर CG मूवी लगी है। आगे जाएंगे, बहुत सारे लोग आए हैं बाइक रेसिंग देखने के लिए। चल सागर जाता ना, इधर है स्वामी विवेकानंद सरोवर। देखिए अपन और दूर चढ़े पहुँच चुके हैं, और ठीक है, जैसे बहुत दूर। हाँ, और अरे टीवी भी आई थी, अरे सागर यहाँ जाल दी कि नहीं पता नहीं, जाल दी कि नहीं। देख आगे जो हमने देखा ना वो VIP गेट था। VIP लोग वहाँ से आएंगे, अपन नॉर्मल लोग हैं इसलिए आगे दूसरे गेट से जाएंगे। यहाँ पे देखिए गाड़ी पार्क है और अपन जा रहे हैं आगे गेट की तरफ, ठीक है। जवान भी तैनात हैं अपनी सुरक्षा के लिए, देखिए जवान लोग। आगे वाला, आगे वाला, आगे वाला। अंकल, अंकल ये वाला, आगे वाला, आगे वाला, हमें आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, आगे गेट के लिए। ओला आने मिलेगा, ओला एक साथ वाला मिलेगा। तो अपना Gate 2B, ये देखिए Gate 2B, और ये वाला Gate 2B, ठीक है। यहाँ से आने दिखाता है, तो भाई यहाँ से अपन इंटर करेंगे, ठीक है, आउटडोर स्टेडियम में। जैसे देख रहे हो सबकी बराबर चेकिंग हो रही है, कुछ भी आपत्तिजनक चीज़ रखोगे ना तो आपको यहीं से वापस भेज दिया जाएगा या फिर पुलिस हिरासत में ले लेंगे आपको, ठीक है। और ये अपना टिकट Gate 2B। ये देखिए कितने ज़रूरी है चेकिंग करना, बैग अलाउ नहीं है भाई यहाँ पे, है ना, बैग अलाउ नहीं है, बैग कहाँ रखेंगे। अंकल जी को बैग अलाउ नहीं है इसलिए वापस भेज रहे हैं, ठीक है। तो अपन तो खैर बैग लेके आए नहीं है, पर आप भी हाँ अंदर नहीं खा सकते क्या भी? ये मोबाइल बस है, इसमें अटकाते हैं फिर ऐसे करते हैं। ऐसा करती है, ठीक है। ये आउटडोर स्टेडियम सरदार वीर सिंह, यही अपन जो है बाइक रेसिंग देखने वाले हैं। और ये जो बाइक रेसिंग कराया जा रहा है ना, छत्तीसगढ़ युवा खेल विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। तो हमने पास हमारा वेरीफाई हो चुका है, देखिए पास वेरीफाई होता है ना तो उसमें छोटा सा जो छेद दिख रहा है ना वो ऐसा कर देते हैं स्टेपलर के द्वारा, ठीक है। अपन Gate 2B के द्वारा अंदर आए हैं, जो अपन नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और मैं फर्स्ट टाइम बाइक रेसिंग देखने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए आपको भी ले चलता हूँ अपने साथ, यहाँ से अपन इंटर करेंगे, ठीक है। भाई अपना सेल्फी स्टिक लेके गया था वहाँ पर, तो अंदर नहीं जाने दिए। तो आप भी अगर आ रहे हो ना तो सेल्फी स्टिक मत लाना, यहाँ किराना दुकान में छोड़ा भैया के पास, तो सारे रख लिए। और अभी अब मैं वापस ग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ, पास बुक लगे, ठीक है। तो मैं वापस आ चुका हूँ आउटडोर स्टेडियम में फिर से, ठीक है। सेल्फी स्टिक को रख के और पानी बॉटल लेके फिर से जल्दी से जाऊँगा, सागर वहाँ से वेट कर रहा है मेरा, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं, आपके सामने यहाँ पे दे आर टेकिंग अ प्रैक्टिस लैप, सो लेट्स सी हाउ दे आर राइडिंग गाइस। हाइट का मुकाबला, और ये ऐसी पहली प्रतियोगिता है जिसमें निर्णय जमीन पे नहीं आसमान पे होता है। जब बाइकर आसमान पे होता है तब इसका रिजल्ट आता है, और जो जजेस होते हैं तो आसमान को देखते हुए जज करते हैं कि कौन पहला आया और कौन दूसरा। वेल, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। इवेंट्स ऑर्गेनाइज होती है, रोड रेसिंग को कभी भी एनकरेज नहीं करना है, प्लीज स्टॉप रोड रेसिंग। आप में अगर यू हैव द करेज इन यू, कम ऑन द ट्रैक और प्रूव योरसेल्फ ऑन ट्रैक।
वो एक्साइटमेंट के साथ अपना जो टास्क है हाईली मजा आने वाला, कमाल का, अद्भुत, रोमांचक जानकारियों के साथ ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। Over here, ladies and gentlemen, Raipur City. ये नजारा पहली बार छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को देखने का मौका मिला है। जब पूरे देश के एक से बढ़कर एक बाइकर्स अपनी हैरत अंगेज कला का प्रदर्शन करेंगे, अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। टेबल टॉप्स, डबल्स, और यहाँ पे कहाँ से आए आप? कैसा लग रहा है रायपुर में आकर आपको इवेंट में पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू अलीना, थैंक यू। तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत जल्द ये शुरू होने वाला है दूसरा राउंड, और फिर से सिग्नल शुरू। अब हेलो, बट वी ऑल्सो हैव द इंडियन राइडर्स ऑन इंडियन बाइक्स, जो नॉविस कैटेगरी बोला जाता है वो अगला प्रैक्टिस सेशन के लिए। इंडियन कैटेगरी है मतलब इंडियन राइडर्स ऑन इंडियन मोटरसाइकिल। चलिए कहते हैं प्यार से हमको इंडिया वाले। एक्साइटमेंट और हमारे सुपर बाइकर्स का जो इंस्टेंट मेनिया जुड़ेगा, और ब्लैक लाइट में पहली बार इन बाइकों की गर्जना जो है ऐसा रोमांच पैदा कर रही है जो रायपुर ने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया है। बिल्कुल Mikhail and John, they are going to give you some good freestyling over here. और ये जो freestyling आप देखने वाले हैं, I'm sure you must have never seen it before. तो Mikhail और John all the way London से आए हुए हैं, और वो यहाँ पे जो करने वाले हैं उसको freestyling बोलते हैं। तो विदेशी राइडर आए अपने रायपुर में बाइक राइडिंग के लिए। गाइस प्लीज आपका 100% रायपुर वाला स्वागत करो। ये नजारा, द बेस्ट पार्ट इज दे मेक इट लुक सो इजी, बट ट्रस्ट मी इट एंड इजी एट ऑल। रायपुर पुलिंग इट अप, जब हमारे बाइकर सभा में उस जोर की आवाज करे तालियां, हमको तालियां मारते रहना है पीपल। ऑलराइट, एंड दैट्स अ नाइस स्लो वीडियो हियर, ही जस्ट प्लेइंग विद हिज वीनी। वाओ 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 पीपल, गिव इट टू मी, कम ऑन रायपुर, कम ऑन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए इन बाइकर्स के लिए। So let's see how he's set up in the back. Whoa! In the club with the cliffhanger. Rose and Benazi, guys, Talia, so that only Chai. आपको बताया था हवे में 30 फुट जाके 360 डिग्री।
और मैं इतना बता दूं कि आज सिर्फ प्रैक्टिस चालू है, मतलब ये तो सिर्फ ट्रेलर है दोस्त, असली पिक्चर तो बाकी है। आज अद्भुत नजारा है, माइकल और जॉन इसको विन बोलते हैं। यू गो इन द एयर एंड यू जस्ट विश टर्न विद द माइक, अमेजिंग, अद्भुत नजारा है, ऑसम ऑसम, दीस गाइस आर किलिंग इट। आज इस स्टेडियम में एक इतिहास रचा जा रहा है और उसके साक्षी हैं आप सभी, और ये नजारा देखिए, अद्भुत नजारा है ये, सुपर सुपर यार, दिस इज अ ट्रीट फॉर माइकल की बारी है, अब माइकल की बारी है। छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एक शानदार आयोजन, जो व्यूवर्स जो हमारे प्यारे सभी दर्शक आ चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, आपके लिए इतना प्यारा आउटडोर स्टेडियम है बूढ़ा तालाब का, तो प्लीज आप अपने उचित स्थान पे सही जगह पे बैठे और लुत्फ उठाते एंजॉय करते रहे। आज तो स्पेशल प्रीमियर का डे है, कल तो फाइनल चैंपियनशिप होना है, तो कल बहुत ही हैरत अंगेज एक्साइटमेंट होने वाली है भाई। लक्ष्मण आउटडोर स्टेडियम में फर्स्ट टाइम इतना भव्य आयोजन किया गया है, वो भी फ्लड लाइट में, तो के लिए दर्शकों के लिए, और ये आयोजन कहीं ना कहीं बच्चों की बाइक राइडिंग है ना, 11 से 13 साल उम्र है लड़का मन पे, जिन आपके सामने अब अपन प्रदर्शन करिए अपन सुपर राइडर्स का, और शुरुआत हो चुके हैं लड़का मन के। क्या बात है, छोटे छोटे लड़का, छोटे छोटे भाई, और ऐसे ही कनेक्ट रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से। 21 अगस्त लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे बच्चों के नाम। गाइस जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जा रही वैसे आप लोगों का भी एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए ऑडियंस। नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप 2022 का ये आगाज, वंस अगेन जितने लोग यहाँ पे लाइव एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हो, पर लगभग 184 ट्रक मिट्टी, जिसमें मूरम है, काली मिट्टी है, मटासी है, उन तीनों का इस्तेमाल करके ये ट्रैक तैयार किया है, और जो बीच में बड़ा सा आपको एक लैंडिंग रैम दिख रहा है FMX रैम, उसमें लगभग आपकी 50 ट्रक 40 ट्रक मिट्टी का उपयोग हुआ है। सो इतनी सारी मिट्टी का उपयोग करके इस मैदान को प्रतियोगिता के लायक बनाने के लिए मैं फिर से जो भी इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें मदद किए हैं उन सबको। ladies and gentlemen,
guys over here. Always a delight to watch some firecrackers on such a beautiful event. अभी जो रिहर्सल है ना थोड़ा स्टॉप होने वाली है, एफएमएक्स की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी जो भी लाइट ऑपरेटर हैं, खबर मिला है कि अपने जो विदेशी राइडर हैं वो दोबारा आने वाले हैं, फिर से रोमांचित करेंगे हमें, ठीक है। तो अभी हम लोग बैठेंगे और देखेंगे उनकी राइडिंग। थोड़ा ध्यान व्हाइट वाला आई है फिर से तैयार। भाई अभी का जो बाइक राइडिंग शो है ना वो खत्म हो चुका है और अभी हम यहाँ से घर जा रहे हैं, कुछ खाते पीते जाएंगे घर। बहुत अच्छा था, जो विदेशी प्लेयर भी आए थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छा राइडिंग करा है ना, खूब इंजॉय किया और पहली बार था दोनों जन का, ठीक है। सागर भी पहली बार बाइक राइडिंग देखने के लिए आया था और अब अभी बज रहे हैं 8, ठीक है। तो अभी अब सीधे हम घर के लिए चलते हैं, है ना। और ये पीछे देख रहे हो ना, ये आउटडोर स्टेडियम है और इस तरफ है इंडोर स्टेडियम, ठीक है। दोनों स्टेडियम आसपास ही है, बूढ़ा तालाब के पास ही है, ठीक है। तो कल इसका फाइनल होने वाला है, आज 5 मार्च को ना आज रिहर्सल वाला जो था कॉम्पिटिशन था, रिहर्सल कॉम्पिटिशन कल जो 6 मार्च को होगा ना वो फाइनल कंपटीशन होगा बाइक राइडिंग का, ठीक है। तो आप कल आ सकते हो, कल आपका अगर आप रायपुर के बाहर भी रहते हो ना तो कल आपके पास मौका है और आ सकते हो राइडिंग देखने के लिए। बहुत ही अच्छी राइडिंग थी, बहुत ही मज़ा आया भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं। मैंने छोड़ा था अपना हैंड स्टैंड और भैया लाने गए, ठीक है। वहाँ क्या मोबाइल को ले जाने नहीं दिए थे तो मैंने इसी होटल में छोड़ दिया था अपना हैंड स्टैंड, जस्ट श्याम टाकीज के बाजू में है नाटक सेंटर और भैया ला रहे हैं। देखो कितना अच्छे से ख्याल रखा भैया ने, थैंक यू भैया। देखिए ये बूढ़ा तालाब, ठीक है। टॉकीज में लगी है सीजी मूवी, श्याम टॉकीज है ना।
और ये देखिए बूढ़ा तालाब कितना अच्छा रंग बिरंगा दिख रहा है ना। तो अब सीधे निकलेंगे सीधे बाइक के लिए, जहाँ पे हमने छपरेशाला में खड़ा किया था, और फिर सीधे घर के लिए निकलेंगे। तो बहुत मज़ा आया दोस्तों बाइक राइडिंग में, आप भी आ सकते हैं। कल 6 मार्च को फाइनल बाइक राइडिंग होगी, ठीक है। उसका चार्ज कितना है मेरे को नहीं पता, पर हमने पास अभी संभाल के रखा है, सागर रखा है, अभी काम आएगा कल, ठीक है। तो चलिए यही